हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से गोपिकाओं के साथ जो लीलाएं हैं, उन अगर उनका श्रवण करता है तो ऐसे में क्या होगा, ऐसा व्यक्ति या उनको उनका वर्णन करता है या श्रवण करता है तो ऐसा व्यक्ति धीर बन जाएगा। तो परपोट के अंदर ये बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी के शिष्य, यूजली अगर ऐसे को प्रकरण अगर कोई पढ़ता है तो उसके बाद तो व्यक्ति अधीर हो जाता है, बल्कि एजिटेटेड हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पढ़ने के बाद क्या होगा या श्रवण करने के बाद क्या होगा, व्यक्ति धीर हो जाएगा। ओ अच्छा। और अगर हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो हृदय के अंदर जो काम वासना है वो तो बढ़ जानी चाहिए, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि ना हृदय रोग में जो हृदय रोग रूपी काम वासना को जीत लेगा। अरे ऐसा कैसे, ये क्या हो गया भाई। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण की जो गोपियों के साथ जो लीला है, ये कई लोगों के लिए अचिंत्य रहती है, और इसलिए जो नास्तिक हैं या फिर भगवत द्रोही हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग अक्सर फिर अगर आलोचना करते हैं तो ये पर्टिकुलर लीला की तो आलोचना जरूर करते हैं। तो इससे कुछ तो ये बोल देते हैं, हम महाभारत के कृष्ण को तो मानते हैं, ये भागवत के कृष्ण को हम नहीं मानते। लेकिन ये शास्त्रों का मत है कि किस प्रकार से महाभारत का सार है श्रीमद भागवतम, गायत्री का सार है श्रीमद भागवतम, पुराणों का सार है श्रीमद भागवतम। पुराण वैसे अपने आप में सारे वेद उपनिषदों को पूर्ण करते हैं, उनका नाम है पुराण, जो पूर्ण बनाए उसको बोलते हैं पुराण, या फिर जो बार बार पढ़ने पे नया प्रतीत हो, पूरा नव तो पुराण, बार बार पढ़ने पर भी जो नया प्रतीत होता है उसको बोलते हैं पुराण। उन पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है, जो उन पुराणों को भी जो पूर्ण करता है वो है श्रीमद भागवतम। तो अगर को बोले हम महाभारत के कृष्ण को मानते हैं, जिन्होंने भगवद गीता बोली थी, विश्वरूप दिखाया था, ये गोपियों वाले कृष्ण को तो हम नहीं मानते, क्योंकि कृष्ण जो है भगवद गीता के अंदर सेंस कंट्रोल की बात कर रहे हैं, और ये तो सेंस पूरा खुला छोड़ दिया एकदम, जाओ सेंसेस, और सेंसेस में भी सबसे ज्यादा जो सक्रिय सेंसेस है वो सेंस, अरे नॉनसेंस। तो इसलिए कई लोग फिर महाभारत कृष्ण को नहीं मानते। लेकिन महाभारत में कौन है, बाणों की शैया पे कौन लेटा हुआ है, भीष्म पितामह जी। भीष्म पितामह भी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं तो गोपियों के कनेक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि बाणों की शैया में महाभारत में, अब महाभारत कृष्ण की बात कर रहे हैं, महाभारत कृष्ण का गुणगान या उनकी व्याख्या भला भीष्म पितामह से बेहतर और कौन कर सकता है। तो वो क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं प्रकृतिम अगम कील यस्य गोपवध्व, यानी कि मैं अपना मन उन भगवान श्री कृष्ण में केंद्रित करता हूं जिनकी मुस्कान वो क्या करती है, जो व्रजधाम में जो गोपियां हैं उनके मन को आकर्षित करती है। सो कैंटो 1 चैप्टर 9 वर्स नंबर 40 के अंदर भीष्म पितामह महाभारत कृष्ण को कौन से कृष्ण से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब उनका कनेक्शन कहां बता रहे हैं, गोपियों के साथ। अच्छा तो आप महाभारत वाले कृष्ण को मानते हैं राइट, बाकी और कृष्ण को नहीं मानते। अच्छा तो अच्छा गोपियों के बारे में अगर शंकराचार्य जी ने, आपके जो आचार्य जी हैं अद्वैत सिद्धांत के आचार्य, अगर उन्होंने भी गोपियों का गुणगान किया हो तो यस, श्री कृष्ण अष्टकम जो किसने लिखा, आदि शंकराचार्य जी ने लिखा, वो क्या लिखते हैं, कदम्ब सून कुंडलम सुचारु गंड मंडनम व्रजांग नयक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया स गोपया स नंदया युतम सुखैक दायकम नमामि गोपनायकम। ये कौन बोल रहे हैं, आदि शंकराचार्य जी। तो जो अद्वैत सिद्धांत को मानते हैं, तो सर आपके आदि शंकराचार्य जी भी आपके नहीं, हमारे भी आदि शंकराचार्य जी हो, हम भी उनको पूरा सम्मान करते हैं, हमारे लिए तो वैष्णव भी हैं, आप भले ना माने उनको वैष्णव, हम तो मानते हैं वैष्णव। वो क्या बोल रहे हैं, कदम्ब सून कुंडलम, तो जिनके बालों में जो कुंडल है वो किनके हैं, कदम के फ्लावर्स के कुंडल है, और साथ ही क्या है वो सुचारु गंड मंडलम, जिनकी गाल बड़े सुंदर हैं, उन्हीं गालों के साथ ही यशोदा मैया बड़े सुंदर ड्राइंग बना के देती हैं, सो योर चीक्स आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। साथ ही व्रजांग नायिका वल्लभम, जो व्रज गोपियां हैं उनका वल्लभम है ओ कृष्णा। ये कौन बोल रहे हैं, आदि शंकराचार्य जी। नमामि कृष्ण दुर्लभम, और उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं जो कि बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे बांगड़ू भटूरे लोग जो कि भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, कहते हैं भाई कृष्ण वो विश्वरूप वाला कृष्ण ठीक है, भाई ये गोपियों के साथ देखे हमें बहुत ईर्ष्या हो जाती है हम लोगों को, इसलिए तुम्हारे लिए क्या है, कृष्ण दुर्लभम। लेकिन वो कृष्ण जो कि दुर्लभ है, यस वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण क्या है, नमामि कृष्ण दुर्लभम, आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं। और फिर किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया को सबको आनंद देने वाले हैं, और ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो कि गोप नायक हैं, गोपियों के भी नायक हैं और गोपों के भी नायक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, ये आदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। तो जिनको वास्तव में ना कृष्ण को स्वीकार नहीं करना, वो कैसे भी कह के बोलेंगे हम ये वाले के वो उसको स्वीकार नहीं करते, बोले को स्वीकार नहीं करते, बोले को स्वीकार नहीं करते, आसने भाई साहब स्वीकार ही नहीं करते,
इसलिए कई लोग ये बताते हैं कृष्ण है वो एक महान योगी हुए थे या फिर एक महापुरुष हुए थे, उनका नाम कृष्ण था। एक महान राजनीतिज्ञ हुए थे, उनका नाम कृष्ण था। एक महान वाचक हुए थे, उनका नाम कृष्ण था। एक महान मोटिवेशनल स्पीकर हुए थे, उनका नाम कृष्ण था। बेसिकली कृष्ण को भगवान के अलावा सब स्वीकार करने, अभी अभी नीचे के सेटल कर दो यार, वो ऊपर हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हाँ, बेसिकली कृष्ण को ही स्वीकार नहीं करते। जो कृष्ण परम भगवान है ये उन्हीं को स्वीकार नहीं करते। जय श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री राधा राधे कृष्ण जी की जय, श्री गौनिताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय। अब ये जो रासलीला है भला इसका कौन श्रवण करते हैं? जैसे आप यहाँ जो श्लोक देख रहे हैं आप, ठीक है जी, इसमें हमारे लिए उम्मीद कौन सी है, कौन सा शब्द है जो कि हमारे लिए उम्मीद है? जो श्लोक है वो है यह वर्णयेद, यह वर्णेद्य आखिर लिखा है वर्णयेद्य, यह वो हमारी उम्मीद है। यानी कि जो कोई भी फिर हम लोग भी आते हैं ना राइट, जो भी श्रवण करेगा तो उसके हृदय काम आसना नष्ट होगी। जो कोई मतलब हम भी उसमें आने हैं, जो कोई हम भी हैं, यानी हम भी अगर सुनेंगे तो हमारी काम आसना नष्ट होगी। तो हमारे लिए जो होप गिविंग शब्द है वो है यह, जो व्यक्ति भगवान के बारे में सुनेगा, कृष्ण की ये जो लीला है सुनेगा। तो लेकिन अगर कोई अधिकार चाहिए अगर भगवान की रासलीला सुनने का, तो दो अधिकार चाहिए। एक तो ये विश्वास हो कि श्रीमद् भागवतम एक प्रामाणिक ग्रंथ है और वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अगर किसी के अंदर यही विश्वास नहीं है फिर वो श्रीमद् भागवतम में जो रासलीला का सेक्शन आता है इसको स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि रासलीला जो है और ग्रंथों में भी आती है, लेकिन बहुत ही विस्तृत रूप से जो वर्णन आता है वो आता है श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है और दूसरा भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। अगर कोई इन दो बातों को स्वीकार कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति फिर रासलीला का श्रवण कर सकता है। अगर ये दो चीजों में से कोई एक भी नहीं है तो फिर उसको कृष्ण को या रासलीला को स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत तो जाएगी। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों क्या मिलेगा, शुद्ध भक्ति मिलेगी भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का श्रवण करके। और साथ ही दो शब्द आ रहे हैं, एक तो आ रहा है शब्द आशु और उसके बाद फिर आ रहा है अचिरेण। आशु का मतलब क्विकली, अचिरेण मतलब विदाउट डिले। तो सेम बात ही है, दो दो बार क्यों बोल रहे हैं, एक ही बार दो बार बोल रहे हैं। रीजन बीइंग इसमें एम्फेसिस किया जा रहा है, वाकई में शुद्ध भक्ति आपको जल्दी मिल जाएगी अगर आप भगवान श्री कृष्ण का ये जो रासलीला है इसका श्रवण श्रद्धा पूर्वक करते हैं। श्रद्धा बोले तो श्रीमद् भागवतम में श्रद्धा, कृष्ण में श्रद्धा। जिसकी दोनों में श्रद्धा नहीं है, विश्वास होने वजह थे, ऐसे व्यक्ति का विश्वास कभी भी भगवान में होने वाला नहीं है। ऐसे चैतन्य चंद्र बताया गया है क्या, उज्ज्वल मधुर प्रेमा भक्ति से ही पाए, आनंदे कृष्ण माधुर्य विहारे सदाए, टेस्टिंग ट्रांसेंडेंटल इफल्जेंट स्वीटली एक्सटैटिक लव ऑफ कृष्ण, सच अ पर्सन कैन एंजॉय लाइफ 24 आवर्स अ डे इन ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ऑफ द स्वीटनेस ऑफ कृष्णास पास टाइम्स। तो कम से कम व्यक्ति को जब ये विश्वास होगा तो उसको अनुभव क्या होगा, उसको ये अनुभव होगा आनंदे कृष्ण माधुर्य विहारे सदाए, ये अनुभव कर पाएगा वो। अच्छा, ये श्रीमद् भागवतम में भला इसको बोलने वाले कौन है जो कि रासलीला सुना रहे हैं, ये रासलीला सुनाने वाला व्यक्ति है कौन? तो इनको बताया गया इनके बारे में, ये बादरायणी, बादरायण यानी कि वेद व्यास जी के सुपुत्र हैं। कौन? श्री सुखदेव गोस्वामी। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कथा बोली है, ये रासलीला की कथा बोली है। तो ये भला श्री सुखदेव गोस्वामी भला है कौन, जो कि माता की कोख में रहे 16 साल तक, कि जब तक भगवान खुद आकर के आश्वासन नहीं देंगे कि मैं माया में लिप्त नहीं होऊंगा तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो खुद द्वारकाधीश कृष्ण आए, आश्वासन दिया, हाँ आप माया में नहीं गिरोगे, आप माया से मुक्त हो। ऐसा व्यक्ति जो भगवान, जो अपनी माँ की कोख से निकलते ही माया मुक्त है और जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है, ऐसा व्यक्ति रासलीला का वर्णन कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि कुछ छिछोरे लड़के आपस में बैठे हुए थे, आजा आजा बात करते हैं, लड़का लड़की थे आपस में रात को मिले, ये डांस किए हुए, ये परम हंस हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। हाँ, तो ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, कहीं उन्होंने ब्रह्मचारी नष्ट नहीं किया, मन में भी कभी नष्ट नहीं किया, ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी रासलीला का वर्णन कर रहे हैं। वाओ, अच्छा किनके पुत्र हैं? ये वेदव्यास जी के पुत्र हैं। वेदव्यास जी ने बद्रिकाश्रम में कई सालों साल तपस्या करके जो पुत्र प्राप्त किया है वो है बादरायणी श्री सुखदेव गोस्वामी। तो ये उनकी तपस्या का फल है। और जब श्री सुखदेव गोस्वामी जब ये रासलीला बोल रहे हैं, सारी कथा बोल रहे हैं, जिन्होंने इनको भागवतम सुनाई है, जिन्होंने रासलीला इनको सुनाई है, ये खुद इनकी क्लास से बैठे हुए हैं, यानी टीचर खुद अपने स्टूडेंट की क्लास से बैठा है, ये जानते हुए, ये मानते हुए कि
ये जो मेरा स्टूडेंट है जब ये बताएगा तो मेरे से भी ज्यादा विस्तृत, मेरे से भी ज्यादा रसिक, मेरे से भी ज्यादा गहराई से बताएगा। ना सिर्फ इनके गुरु जी बैठे हुए हैं, श्री सुखदेव को समझिए गुरुदेव कौन, उनके पिताजी श्री वेद व्यास जी, बल्कि उनके गुरु के भी गुरुदेव श्री नारद मुनि वो भी बैठे हुए हैं कि मेरे शिष्य का शिष्य अभी कथा सुनाएगा। तो ये श्री सुखदेव गोस्वामी जी की स्पिरिचुअल कैलिबर है। ऐसे जबरदस्त स्पिरिचुअल कैलिबर का व्यक्ति जो माया मुक्त है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, जिसने श्रीमद् भागवतम को इतने गहराई से आत्मसात किया हुआ है कि उनके गुरु के भी गुरु बैठ करके उन्हीं की क्लास सुन रहे हैं, ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी रासलीला कथा कर रहे हैं। और इसके पहले के अगर कैंटोस में जाए श्रीमद् भागवतम के, तो वहां पर दूसरे वर्णन भी आते हैं, जैसे पुरंजनी कथा भी आती है और बाकी कथाएं भी आती है, इसके अंदर कोई व्यक्ति कामुक हुआ, आकर्षित हुआ किसी से, वो कथाएं भी आती हैं, कि मोहिनी मूर्ति कथा भी आती है और साथ ही उर्वशी कथा भी आती है, ऐसे बहुत सारे प्रसंग है। अगर कोई व्यक्ति कामुक होता है तो कौन से नर्क में जाता है, कौन कौन से नर्क में उसकी कैसे कैसे पिटाई होती है, ये ऐसे वर्णन है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने इस प्रकार से रासलीला करके दोनों कृष्ण और गोपियां नर्क गए, बताना चाहिए एज अ केस स्टडी। लेकिन वो क्या श्लोक बोल गए, वो कह रहे हैं, अरे दोबारा पढ़ लेते हैं श्लोक को भाई, वो बोल रहे हैं जो ऐसे भगवान ये इसका वर्णन करता है, जो सुनता है उसके हृदय के रोग चले जाएंगे और वो धीर बन जाएगा, उसकी काम वासना नष्ट हो जाएगी। अरे बाबा ऐसे कैसे हो गया जी। तो ये है श्री सुखदेव गोस्वामी जो रासलीला कथा बोल रहे हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इसका गुणगान कर रहे हो रास पंचाध्याय, और बड़े गोपनीय बताए जाते हैं किस प्रकार से। इवन जो श्रीमद् भागवतम है, पहले दो स्कंद भगवान के चरण है, तीसरा चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं, पांचवा स्कंद भगवान का उदर है, छठा स्कंद भगवान का वत्सल है, सातवां आठवां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं, नौवां स्कंद भगवान का गला है, दशम स्कंद भगवान का सुंदर चेहरा है, और उस सुंदर चेहरे पे जो मुस्कान है वो है रास पंचाध्याय। और सबसे ज्यादा कॉमेंट्री लिखी गई है अगर किसी चैप्टर के ऊपर बाय द आचार्यस, दैट इज ऑन रास पंचाध्याय, क्योंकि उनको पता है कलयुग के मांगड़ू भटूरे पपीते के छिलके अमरूद के कीड़े लोग इसको गलत ही समझेंगे, इसलिए इसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ेंगी कि भाइयों सुनो, एक एक श्लोक का अर्थ सुनो, एक एक शब्द का मतलब सुनो, तब तुम्हारे सीमेंट जैसी बुद्धि में शायद ये बात घुस जाए। और घुसती भी है, जो लोग भगवान का नाम लेते हैं वो इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जो बाहरी बाहर से समझना चाहते हैं फिर वो रासलीला को फिर गलत मानते हैं। रासलीला ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, समाज में किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कृष्ण, अगर क्या हम भी इस प्रकार से विचार करें, हम भी ऐसे लड़कियों के साथ घूमें, अनुचित है ये सही उदाहरण नहीं है समाज में। ये खुद बोल रहे हैं भगवद गीता में, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त तेव धरो जना, खुद बोल रहे हैं, खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी बात को। किस प्रकार का आचरण एक एक किसी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को शुभा देता है, हरगिज नहीं शुभा देता है। सर आपको भी रासलीला के बारे में चर्चा करना शुभा नहीं देता है, क्यों क्या बताया गया, श्रद्धान्वितो श्रद्धान्वितो, श्रद्धा है नहीं है तो सर चुप रहो ना सर। प्रभुपाद जैसे विदेश में थे ना, वहां पर एक व्यक्ति मिला, वो बोला करता था कृष्णा इज ब्लैक, ब्लैक इज अननोन, सो कृष्णा इज अननोन, सो वाई टू नो कृष्णा। प्रभुपाद ने कहा कृष्णा इज अननोन टू हिम, सो यू शुड नॉट गो टू हिम, ही हिमसेल्फ इज सेइंग कृष्णा इज अननोन टू हिम, बट कृष्णा इज नोन टू अस, सो यू कम टू अस, वी विल टीच यू हु इज कृष्णा। तो ये तो हो गए श्री सुखदेव गोस्वामी जो कथा कर रहे हैं। अच्छा कथा सुनने वाले कौन है, एक तो सारी ऑडियंस में उनके गुरु भी हैं, गुरु के गुरु भी हैं, साथ साथ परीक्षित महाराज, ये वो परीक्षित महाराज है जो माँ की कोख में कृष्ण के दर्शन कर चुके हैं, जो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर चुके हैं, जो कृष्ण का दर्शन कर चुके हैं वास्तव में, ऐसा शुद्ध भक्त जिसने कलयुग के भी छक्के छुड़ा दिए, जो कलयुग भी जिसने जगह दे दो, ऐसे कलयुग को थर थर कपाने वाले, ये वो है परीक्षित महाराज। So, ऐसे परीक्षित महाराज ये सुनने वाले, इन्होंने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, एक्सक्यूज मी आप ही वल्गर बातें मत करिए, मैं मरने वाला हूं, मेरे को कुछ अच्छी अच्छी बातें बताओ ना, ऐसा बोला वो भी रिलिश करें। और विशेष रूप से उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि किस प्रकार से परम भगवान ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं, उनके मन में भला ऐसा क्या चल रहा था जब उन्होंने गोपियों का संग किया, उसका फिर विस्तृत वर्णन करते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। तो सुनने वाले भी कौन है, परीक्षित महाराज जो भगवान के दर्शन कर चुके हैं, जो सुनाने वाला है वो भी दर्शन कर चुका है भगवान श्री कृष्ण के, वो पहले ज्ञानी परमहंस थे श्री सुखदेव गोस्वामी, बाद में बन गए प्रेमी परमहंस, बोलने वाला प्रेमी परमहंस, सुनने वाला प्रेमी परमहंस, दो प्रेमी परमहंस हैं, ऑडियंस में कई सारे परमहंस बैठे हैं, जो ज्ञानी परमहंस थे उन्होंने भी अपने आप को अपग्रेड किया, दे बिकेम परमहंसस बाय हियरिंग दिस लीला। ये लीला परमहंस बनाने की शक्ति रखती है, इवन कौओं को भी
पर हम सुनाने की शक्ति रहती है, ये रासलीला। अच्छा, और किस किस ने भला इसको रिलिश किया है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, इन द फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु जिनकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, उनको त्याग करके इन्होंने संन्यास लिया 24 की एज में। 24 साल की उम्र में कितना वैराग्य होगा। ये वो महाप्रभु हैं जो सुपर डुपर स्कॉलर हैं, सारे ज्ञान के वेत्ता हैं, ये वो हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। महाविख्यात हैं, जो 60,000 अद्वैत सन्यासियों को वैष्णव बनाने वाले, ये महाप्रतापी महातेजस्वी, ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्त्री शब्द नहीं बोलते, प्रकृति शब्द बोलते हैं, प्रकृति संभाषणे, वो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो रासलीला है इसका आस्वादन करते हैं। क्योंकि वैरागी व्यक्ति दूर रहेगा ना, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं, ये गोपियां और कृष्ण है, कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो जिनका हृदय वैराग्य में सूख चुका है, एकदम सुखेला दुखेला जिनका मन है, ऐसे लोग भगवान की जो रासलीला है इसमें रस नहीं ले पाते। अच्छा, और किसने इसकी प्रशंसा की है रासलीला की? उद्धव जी ने। उद्धव जी कौन है? बृहस्पति जी के ये डिसाइपल उद्धव, भगवान के पार्षद, जो भगवान के खुद के उच्चिष्ट वाले कपड़े पहनते हैं, उनके साथ उठते बैठते बोलते चलते, सिर्फ दर्शन नहीं किए, ये उनके पार्षद हैं। उद्धव जी भी ग्लोरिफिकेशन करते हैं भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का। तो इस प्रकार से रासलीला की प्रशंसा करने वाले आदि शंकराचार्य जी भी हैं, श्रीपाद मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, ये सब प्रशंसा करते हैं। लेकिन इस दुनिया के कलयुग के ऐसे बांगड़ू भटूरे लोग, उनको लगता है अरे ये तो बहुत अनुचित है, अनुचित है। सर थोड़ा पढ़िए ना, क्या लिखा है यहां पर, योग माया, योग माया उपाश्रितः। ये वास्तव में योग माया के द्वारा सारी लीला हुई है सर, ये महामाया की लीला नहीं है। हम जो करते हैं दुनिया के अंदर वो महामाया वाला काम हो रहा होता है, बाद में दुख भी पाते, लेकिन ये तो योग माया उपाश्रितः, ये आ रहा है सर, एक बार पढ़ तो लिया करो सर। साथ ही बताया जा रहा है कि भगवान ने बढ़ा ये लीला क्यों की, तो हमारे बहुत ही महान आचार्य हैं, उनका नाम है कवि कर्णपुर, बताते हैं वाला भगवान ने ये लीला क्यों की। तो उसके लिए वो श्लोक बोलते हैं, देयर आर फोर रीजंस व्हाई कृष्ण डिड दिस रासलीला। तो पहला कारण बता रहे हैं, चतुर्मुख मुख स्वर्ग वर्ग गरीम खंड खंडांतरम अनंत मद मद कल कल कंदर्प दर्प दमन्याय। यानी कि कंदर्प जो कामदेव है, उनका दर्प, उनके घमंड को चूर चूर करने के लिए भगवान ने ये रासलीला की, क्योंकि उनका बड़ा घमंड हो गया था, अरे मेरे तीरों को कोई झेल नहीं पाया। ब्रह्मा जी रेडी, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भाई, तूने बड़ा एक बार दिमाग खराब किया था मेरा, थैंक यू। शिव जी ने कहा अरे नहीं भाई, तूने मेरा तीसरा नेत्र खुला दिया था, कामुक तो नहीं हुआ लेकिन क्रोध में आ गया था मैं, फिर तेरे को मैंने अंग थे तेरे, बाद में तेरे को अनंग कर दिया था मैंने, हाँ तो इसलिए तू रहन दे यार, ध्यान खराब ही करता है तू, भाग यहां से। ओके नारद मुनि, हमने कहा नहीं भाई, तूने विश्व मोहिनी के चक्कर में एक बार मुझे घुमा दिया था ना भाई। ओके तो कौन है भाई? है कोई? रामुनि ने कहा देख बेटा इतना घमंड मत कर, एक व्यक्ति है जैसे ही वो घमंड का फोड़ा देखता है ना, उसका बहुत मन मचलना शुरू होता है, घमंड में फोड़ा कैसे फोड़ू, तो इसीलिए घमंड मत कर। तो बोला ऐसा कौन है जो मेरे घमंड को चूर चूर करेगा भाई, कोई घमंड नहीं है, आई एम द बेस्ट, नोबडी कैन टॉलरेट माय एरोज, ऐसा क्या। ठीक है रामुनि का, इस जगह पे जा, वंशी भट्ट में जा, वह व्यक्ति मिलेगा तेरे को, वो तेरा घमंड चूर चूर करेगा। अच्छा हम भी देखेंगे भाई ऐसा कौन पैदा हो गया। गए कामदेव, कामदेव गए तो वहां पर देखा कृष्ण है साथ में गोपियां, कितनी गोपियां हैं, ओ जहां तक नजर जाए वहां गोपियां ही गोपियां हैं, इतो गोपियां परतो गोपियां यतो यामी ततो गोपियां ही गोपियां, 10,000 करोड़ गोपियां, देवर 100 groups ऑफ गोपीज एंड ईच ग्रुप देवर 100 billion गोपीज, सो 10,000 करोड़ गोपीज। अब कामदेव का एक्सक्यूज मी, अगर एक लड़की होती मैं तो भी गिरा देता, यहां 100 नहीं है, यहां पर 10,000 करोड़ है, इसको तो अब भी गिराता हूं। तो उसने मचान बनाई, मचान बना करके भगवान पे तीर मारने शुरू किए, तीर मारे जाए, सारा तुणीर खाली हो गया, मारते मारते भाई साहब मचान से गिर गए। उस वक्त कृष्ण रासलीला छोड़ के चले गए, ये क्या हुआ, मेरे एरोस का उल्टा काम कैसे हो गया ये, क्योंकि एरो से बात तो व्यक्ति को आलिंगन करना चाहिए, इसके पीछे स्त्रियों के पीछे भागना चाहिए, पर वो किसी गोपी के पीछे नहीं जा रहे, कृष्ण वाली रासलीला छोड़ के चले गए, ऐसा कैसे हुआ। तो फिर सारे देवी देवता आए, कहते ओले मेरे क्यूटी भाई कामदेव, तुम्हारे तीर बेटा भगवान में काम नहीं करते, ये भगवान है जिनमें तुम तीर छोड़ रहे हो ना, ये भगवान, ये स्वयं भगवान है, बल्कि तुम्हारे अंदर जो पोटेंसी है कामदेव वाली, ये पोटेंसी इन्हीं से मिली है,
भूल जाते तुम यार, गलती हो गई। लेकिन वो भी आकर्षित हो गए भगवान श्री कृष्ण के प्रति, इसलिए उनका नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम है मदन मोहन, मदन को भी मोहने वाले हैं, ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो एक तो ये कारण है कि जो कंदर्प है यानी कामदेव है, उनका घमंड तोड़ना था भगवान को, इसलिए भगवान ने रासलीला की, आओ बेटे लाल अभी तुम्हारा घमंड तोड़ते हैं हम। यस। दूसरा कारण क्या था, निज मुरली कांक्षित शिक्षा परीक्षा परिशिष्ट ये टू टेस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ हिज डियर मुरली, अपनी मुरली की पोटेंसी को चेक करने के लिए, क्योंकि भगवान के पास वेणु भी है, मुरली भी है, वंशी भी है, तीनों का प्रयोग करते हैं। मुरली से अक्सर आकर्षित करते हैं गोपियों को, मुरली कृष्ण, ताकि गोपियां आए। और कमाल की बात यह है कि एक ही मुरली बजाते हैं, उसी मुरली के अंदर सारी गोपियों को अपना अपना मैसेज मिल जाता है। हमको किसी को कॉल करना हो तो मैटर है, मैं करुणा चंद्रबू फोन लगाऊंगा तो सिर्फ करुणा चंद्रबू को मिलेगा फोन, ऐसा थोड़ी एक ही फोन मिलाया सबको फोन मिल गया और सबने अपना अपना मैसेज सुन भी लिया और फिर सबके साथ आ जाए, आपने हमें बुलाया था ना, और मैं बोलूं एक्सक्यूज मी मैं करुणा चंद्रबू से बात कर रहा था, आप लोग कैसे आ गए, दैट्स नॉट देयर विद कृष्णा। कृष्णा ने अपनी जो मुरली बजाई उस मुरली से सारी गोपियों को उनका रिस्पेक्टिव मैसेज मिल गया। विशाखा को सुनाई दिया विशाखा कम, चित्रा को मिल गया चित्रा कम, ललिता कम, सबको अपना उनका अपना मैसेज मिल गया। ओ रुक्मिणी किशोर यहाँ पर है, हरे कृष्णा बोली जनपान प्रभु जी जय हो, तो सबको अपना अपना मैसेज मिल गया। वाह क्या ट्रांसमिशन है भगवान का। तो कवि कर्णपुर जी बता रहे हैं दूसरा कारण क्या है रासलीला करने का, अपनी मुरली की पोटेंसी को चेक करना, देखें भाई कहाँ कहाँ था मैसेज पूरा पहुंचता नहीं पहुंचता, 10,000 करोड़ गोपियों को मैसेज पहुंच गया। कोई अगर लाउड स्पीकर में भी मुरली बजा लेना अगर तो भी 10,000 करोड़ भी गोपी के पास तो नहीं पहुंचने वाला मुरली। मैडम सुनाई दिया आपको, यू आर ऑन म्यूट। तो चाहे कितने हम गाजे बाजे के साथ मुरली बजा ले, लेकिन इतनी संख्या में गोपियों के पास ये मैसेज वाला कैसे पहुंच जाएगा। अगर हम ये मान के चले तो एक सांसारिक लीला है, कैसे हो जाएगा जी। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है भुज युगा युगलेना युगदप अनेक रमणी रमणीय परिरंभ्या टू एम्ब्रेस मेनी लेडीज ऑफ रजा एट वंस विद हिज टू आर्म्स। एक मिनट सर, एक ही बारी में सारी गोपियों का आलिंगन कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ सारी गोपियों का आलिंगन कर लिया, सिर्फ 10,000 करोड़ गोपियां हैं, इनका आलिंगन को करके दिखाए। एट अ टाइम कितना कर ले, वो 5-6 गोपियां बस 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 वो दब के उसका तो पापड़ निकल जाएगा, कचूमर निकल जाएगा उसका। पर यहां भगवान श्री कृष्ण ने 10,000 करोड़ गोपियों का एक साथ आलिंगन किया है। दैट इज ऑल्सो द थर्ड रीजन वाई कृष्ण डिड द रासलीला। उसका बताया जा रहा है कट्यान्य उपासना सनातनानाम कुमारानाम अरिणम अमृतधाराम इव नानुरागा रसलहरी काम कामाभृतम टू रेसिप्रिकेट द लविंग अट्रैक्शन ऑफ द यूथफुल गोपीज हु हैड वर्शिप्ड कात्यायनी। कात्यायनी जी से प्रार्थना करके, जिन्होंने प्रार्थना की थी हमें कृष्ण प्राप्त हों, तो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये रासलीला की। अब रासलीला को लेकर देखिए कई चीजें ना बहुत अद्भुत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 करोड़ गोपियां, अगर ये कोई नंबर ही सुन लेना वो कहेगा बस ये माइथोलॉजी है, क्योंकि दुनिया की जनसंख्या कितनी है 700 करोड़। कितनी टोटल जनसंख्या 700 करोड़। गोपियां कितनी हैं, सिर्फ गोपियां गोपियां जिनके साथ कृष्ण रासलीला कर रहे हैं 10,000 करोड़। यस सर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, तो लेकिन जनसंख्या विस्फोट नहीं होता, ऐसा क्यों। तो इसके लिए भी आचार्य बताते हैं कि वास्तव में हम जो जिस ब्रजधाम को देख रहे हैं 84 कोस जो ब्रजधाम है, ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही इतना ही नजर आता है, जिसकी हम परिक्रमा कर लेते हैं, एक महीना लगाते हैं पूरा परिक्रमा करने में, हमारे लिए इतना ही एरिया है फिलहाल, ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन वैसे वो एरिया बहुत ज्यादा विस्तृत है, लेकिन हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कर्णा चंद्रपू को देखता हूँ अगर मैं, ठीक है, और कोई बोले अच्छा कर्णा चंद्रपू की हाइट कितनी है, एक मिनट बताता हूँ अभी, ये और ये कर्णा चंद्रपू इतने सच में, हाँ ये देखो ये उनका चरण पे रखे मैंने अंगूठा, और ये उनके सर पे जो उन्होंने भी नया नया हेडशेप किया है, तो ये कर्णचंद्रपू इतने कर्णचंद्रपू तो है, ऑफकोर्स ही 5'9", 5'10", 5'11" है, वो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 2 इंच। तो जो ब्रज हमें नजर आ रहा है ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इतना ही नजर आता है, इतने में 10,000 करोड़ गोपियां कैसे आएंगी। नहीं सर ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर हम उस एक्चुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है फिजिक्स की लैंग्वेज है, फिजिक्स में आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां
रिलेटिविटी की बात करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोमेंटम, रिलेटिव एक्सेलरेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इवन टाइम की और स्पेस की भी रिलेटिविटी होती है. ये तो इवन अल्बर्ट आइंस्टीन बताया. अब अल्बर्ट आइंस्टीन को मानते आपके आचार्य जी? हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन को तो मानते. तो सर आपके आचार्य जी बोल रहे हैं देयर इज रिलेटिविटी ऑफ स्पेस, देयर इज रिलेटिविटी ऑफ टाइम. तो इसे 10,000 करोड़ गोपियां आर देयर इन देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और हमारे लिए अवेलेबल है ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी हम परिक्रमा कर पाते हैं. क्योंकि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा रहे हैं, एक महीने में परिक्रमा क्या, सालों साल परिक्रमा हमारी पूरी नहीं होगी. चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, परिक्रमा पूरी नहीं होनी. हमारे लिए ब्रज दिया गया है एज ए सैंपल. ओके, इतनी परिक्रमा कर लो, आपकी परिक्रमा मानी जाएगी कंप्लीट. सो कृष्णा ही डिड दिस. साथ ही अब देखिए, इतनी सारी गोपियां हैं साथ मिलकर के डांस कर रहे हैं. एक गोपी किसी दूसरी गोपी से लड़ी नहीं बीच में. भैया डांस करते करते एक साथ डांस करो ना, तो हम भी डांस करते हैं, भिड़ जाते हैं एक भाषे न करते करते बुम बुम क्या क्या और कोनी मार दी तूने मेरे को. क्या करे प्रभु, टेम्पल हॉल पूरा भरा हुआ है, तो इसलिए हरी बोल करते करते तुम थोड़ा कुछ हो जाता है, हल्का बोलकर ध्यान रखना पड़ता है. कभी कभी तो भक्त कूदते भी नहीं है, क्या क्या करें, जगह नहीं है. या अगर कभी डांस करते तो थोड़ा भिड़म भिड़ाई तो हो जाती है. यहां पर 100-200 भक्त लोग जब नाच रहे होते हैं तो भी आपस में कहीं ना कहीं भिड़म भिड़ाई हो जाती है. ये 10,000 करोड़ गोपियां अभी 10,000 करोड़ कृष्ण ये आपस में एक बार भी नहीं भिड़े. एक बार भी नहीं हुआ कि गोपी ऐसे डांस करते 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 दूसरी गोपी से लड़ गई हो. थार अपने एरिया में नाचना, तो तेरा एरिया दिया तो है तेरे को, तो तू वहां नाच. तू मेरे हिस्से में क्यों नाच रही है बहन, देख बड़ा लिमिटेड एरिया है. ऐसा हुआ कोई गोपी लड़ गई हो एक दूसरे से, या दो गोपियां लड़ी हो एक दूसरे, बाल नोचनी है तू, और फिर कृष्ण आ रहे हो छोड़ दो छोड़ दो, इट्स ओके, जब डांस करते हैं सब हो जाता है, इट्स ओके. ऐसा हुआ नहीं हुआ. एक भी गोपी कहीं FIR दर्ज कराने गई हो कि ये देखिए जगह है नहीं, डांस करने के लिए बुला लेते हैं, ये क्या बात होती है, अपमान है हमारा ये. ऐसा हुआ? और कोई कंफ्यूजन भी नहीं किसी गोपी को कि भाई कोई ऐसे डांस कर रहे तो किसी को देख रही हो, ऐसे कैसे करना है. अच्छा 1 2 1 2 3 करना है, वो मेरे को लगा 2 3 2 3, सॉरी सॉरी ठीक है 1 2 1 2 3. अरे इतने बड़े ग्रुप को डांस करने के लिए पहले तो रिहर्सल करनी पड़ेगी. ओके एवरीवन, लाइट्स कैमरा एक्शन स्टार्ट करें. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
सब फिर कोरियोग्राफी बढ़िया होगी, उसी में कोई ना कोई तो गड़बड़ी करेगी, कोई तो गोपी अपना स्टेप भूल गई, कहते भूल गई बहन बता देना मेरे को, ऐसा हुआ? नो रिहर्सल्स, नो कोरियोग्राफी मेसअप, कोई गोपी किसी दूसरे में भिड़ी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। 10,000 करोड़ गोपियां एक साथ 10,000 करोड़ कृष्ण के साथ डांस भी कर गई एंड नो मेसअप। और कितने समय तक? ब्रह्मा जी की रात्रि तक। इतना कोई डांस करके दिखाए? यहां तो एक आध घंटे डांस करने के बाद उसके बाद बंदा 3 घंटे सोता है कि प्रभु आज मैं 2 घंटा डांस किया। और डांस हम जानते हैं हम कैसे वाला डांस करते हैं, हम लोग हल्के फुल्के हरे हरी बोल वाला डांस में हमारा हरी बोल हो जाता है। तो यहां तो गोपियां पूरे उत्साहपूर्वक नृत्य किया है, वो भी ब्रह्मा जी की रात। इतना लंबा कौन डांस करेगा बाबा? इतना तो काय चाहे कोई चरसी हो, दारू पिया हो, उसमें उसको इंजेक्शन लगाए गए हो, उसको ग्लूकॉन डी के डब्बे पिलाए गए हो, तो भी नहीं कर सकता। ये कैसे डांस कर गए? हाउ इज इट पॉसिबल? तो अगर कोई रासलीला की गहराइयों में भी जाता है ना, तो पता लग जाता है भाई ये तो अद्भुत लीला है वास्तव में। हाँ, ये तो गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा है। लाइक निट्ज़ी, वन जर्मन फिलोसोफर, यूज्ड टू से आई वुड हैव बिलीव्ड इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इफ गॉड कुड डांस। मैं भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता अगर भगवान नृत्य कर सकते तो, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तो भगवान को नृत्य करते नहीं, उनका बस यही काम है जो पुण्य आत्मा है उनको स्वर्ग भेजना है और जो पाप आत्मा है उनको नरक भेजना है। तो भगवान जी और भी काम आपके पास नहीं? क्रिश्चियनिटी में मेरे प्रोफाइल में बस इतना ही है और बाकी स्वर्ग बैठ करके पॉपकॉर्न खाना है। सो निट्ज़ी, फ्रेडरिक निट्ज़ी ने कहा मैं भगवान में तब विश्वास करता, आई वुड हैव बिलीव्ड इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इफ गॉड कुड डांस। अरे सर, हु कैन बी एज ग्रेट अ डांसर लाइक कृष्णा? इवन शिवजी इज नटराज, ही इज अ किंग ऑफ डांसर्स, बट कृष्णा इज नट अ वपु, ही इज वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ डांस। तो इसीलिए वैसे नटराज के भी राजा जो है वास्तव में कृष्ण है, द वे ही डांसेस। अरे
भगवान का डांसिंग इतना बड़ा है कि रंगनाथ जी के रूप में उनका चलना 22 तरह का है। सोचिए जो व्यक्ति चले 22 तरीकों से, उसका फिर डांस करना क्या होगा? एंड दैट वी कैनॉट इमिटेट, 22 तरह का चलना उनका। ही कैन वॉक लाइक एन एलिफेंट, ही कैन वॉक लाइक अ गरुड़ा, ही कैन वॉक सो मेनी वेज, 22 काइंड्स ऑफ वॉकिंग। तो जहां चलना ही डांस है, तो डांस तो फिर क्या ही होगा फिर? और उस डांसिंग अंदर इट वॉज ऑल एक्सटेसी, इट्स ऑल एक्सटेसी। अच्छा ये बोला, ये कौन सी उम्र में हुआ है सारा हिसाब किताब, ये राशि वगैरह का? कृष्णा वॉज जस्ट 8 years old, 8 साल का कोई बच्चा भी हो उसको तो पता ही नहीं होता क्या लड़का लड़की, कुछ पता ही नहीं होता ना। तो गोपियां फिर किस उम्र की हुई अगर ये 8 है तो? ये 6 साल के बच्चे को लेकर के आओ, उनसे डांस कराओ, कितना डांस करे, पहली बात क्या उनमें कामुकता होगी? नहीं, बच्चों में तो ये सब होता ही नहीं। आज सब बच्चे देख लेते हैं छोटी उम्र में यहाँ वहाँ नेट सर्फिंग करके, पर एक्चुअली अगर हमारे टाइम में अगर देखें, व्हेन नेट वॉज नॉट देयर, एक्चुअली 12वीं तक तो हमको भी क्लियर नहीं था ये क्या होता है। हम तो मूवी देखते थे, उसमें हैरानी होती, लड़की बोल रही है, हीरोइन बोल रही है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हम सोचते थे यार इसको कैसे पता चला कि इसी के बच्चे की माँ है, ये अजीबोगरीब डायलॉग है यार ये तो यार। बाद में जाके समझ में आया ऑब्वियसली उसको तो पता ही होगा ना, सहवाज तो उसके साथ किया है तो फिर और क्या। पर 12वीं क्लास तक तो हमको ये समझ नहीं आता यार पिक्चर में डायलॉग कैसे होते हैं, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसको क्या पता, क्या पता किसी और की माँ बनने वाली हूँ, ये क्या मतलब। तो ये तो 11वीं 12वीं में जाकर के थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू होता है। तो यहाँ तो बच्चे और भी छोटे हैं, ये तो कृष्णा 8 years old, गोपियां 6 years old। तो इसलिए अगर कोई ये भी लेके चले कि ना ना ये तो ये सांसारिक कार्यकाल है, सांसारिक लेके चलो इवन देन इट इज, इट हैज टू बी प्योर, क्योंकि बच्चे भी मान के चले अगर हम कृष्ण को 8 साल का और गोपियों को 6 साल का, इवन देन इट हैज टू बी डिवाइन। अच्छा तो बोला ये गोपियां हैं कौन, ये जिनके साथ हम कह रहे हैं ये गलत है, ये गलत है, गलत है। तो श्रीमद् भागवतम में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई अपने प्रतिबिंब के साथ मानो नाच रहा हो। पहले बात तो अपने प्रतिबिंब के साथ कोई नाच नहीं सकता, पर प्रतिबिंब का मतलब है इन्हीं का ही एक्सपेंशन है, मेरा प्रतिबिंब मेरा ही तो विस्तार होता है, मैं हूं तो मेरे से मेरा प्रतिबिंब है, तो कृष्ण है तो उनसे उनकी निकली गोपियां हैं, ये गोपियां, ये गोपियों का स्थान है वास्तव में। तो श्री जी को स्वामी बता रहे हैं कृष्ण संदर्भ के अंदर, तो कोट करते हैं कि किस प्रकार से गोपियां कृष्ण से ही निकली हैं। सो ही कोट्स ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता से बता रहे हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, कि वास्तव में सहस्त्र लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती हैं। अब लक्ष्मी और कृष्ण की कौन सी लीला है, लक्ष्मी और नारायण की पता है हमको लीला, लेकिन कौन सी लक्ष्मी है वास्तव में, ये हैं गोपियां, ये गोपियां। और साथ ही बताया जा रहा है ब्रह्म संहिता में निज रूपाय कल्प भी, ये इन्हीं का ही रूप का विस्तार है। गोपियां हैं कौन, इन्हीं से निकली हैं, चैप्टर 5 और 63 के अंदर बताया जा रहा है। तत् अंशानाम तत् पत्राणि श्रियाम अपि, ये श्रियाम ये गोपियां हैं कौन, ये वास्तव में इन्हीं का ही अंशानाम, ये इन्हीं का ही अंश है। साथ ही मंत्र 3 में आता है गोपाल तापनी उपनिषद, गोपीजन वल्लभा ज्ञानेन तत् गायतम भवति, यानी कि परम सत्य को व्यक्ति नहीं जान सकता जब तक वो इस बात को स्वीकार नहीं करता कि परम सत्य गोपीजन वल्लभ है, जब तक वो व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता परम सत्य इज गोपीजन वल्लभ। तो अगर कोई ईर्ष्यावश नहीं माने, हम नहीं मानते गोपियों का और ये कृष्ण का, हम नहीं मानते भागवत के कृष्ण को, देन सर परम सत्य से आप दूर ही रहेंगे एज पर गोपाल तापनी उपनिषद जो कि अथर्ववेद का पार्ट है। ऐसे जितने वेद इत्यादि होते हैं, वेदों में अरण्यक भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, संहिताएं भी होती हैं, संहिताएं ब्रह्मचारियों के लिए होती हैं, ब्राह्मण गृहस्थों के लिए होते हैं, अरण्यक वानप्रस्थ के लिए होते हैं, और जो उपनिषद है वो सन्यासियों के लिए होते हैं इस तरह से। तो गोपाल तापनी उपनिषद के अंदर बताया जा रहा है कि गोपीजन आविद्या कला प्रेरक, आ का मतलब कंप्लीट, भगवान श्री कृष्ण की कंप्लीट नॉलेज किसमें है, आविद्या कला प्रेरक, इन्हीं की कलाएं जो गोपियां हैं अगर कोई नहीं स्वीकार करता ऐसे व्यक्ति को परम सत्य का कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता एज पर श्रुति शास्त्र। कई लोग श्रुति स्मृति में लगे रहते हैं, श्रुति श्रेष्ठ है स्मृति नीचे है, जबकि ऐसा नहीं है, शास्त्रों के अनुसार स्मृतियां ज्यादा श्रेष्ठ है वैसे। सो एज पर इवन श्रुति शास्त्र इट इज क्लियरली गिवन कि गोपीजन वल्लभ को जो स्वीकार नहीं करता, राधा राधे रमन जी को स्वीकार नहीं करता, ऐसा व्यक्ति परम सत्य को कभी नहीं जान सकता। तो वास्तव में जितनी भी गोपियां हैं ये कृष्ण का ही तो विस्तार है, ये कृष्ण का विस्तार है, ये इनकी ही अंग कांति है, इनकी कलाएं हैं। तो ऐसे नहीं कोई गांव की लड़कियां थी उनको अपने जाल में फंसाया हो, अकेले अकेले कहां जा, और फिर वो मेरे जाल में फंस गई हो, फिर मैंने उनके साथ डांस किया हो, ऐसा नहीं है, इनकी विस्तार है। तो जो कोट करने वाले होते हैं, आइए भागवत से हम आपको दिखाते हैं
श्रीमद भागवत 2.0 समाप्त। आइए देखिए, इस प्रकार से कृष्ण ने उनका आलिंगन किया, उनका चुंबन किया। छी 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 छी। एक मिनट सर, ये उन्हीं कलाएं हैं। अगर कोई अपने ही कला का चुंबन करे, आलिंगन करे, देयर इज नथिंग रॉन्ग। जैसे मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ है और मैं इसका चुंबन करूं, और को बोले अमोघ लीला प्रभु, कितनी अश्लील हरकत की आपने, व्यासासन पे बैठ करके आपने चुंबन लिया, लिया अपने ही हाथ का चुंबन लिया, क्या दिक्कत है भाई? अगर मैं अपने हाथ को ऐसे करूं, ओह गॉड, दिस गाय इज सो मच सेल्फ ऑब्सेस्ड, ऐसा बोलेंगे। ही इज अ नार्सिसिस्ट, ऐसा क्या, ऐसा बोलेंगे। कृष्ण वास्तव में अपनी ही गोपी, इन्हीं का विस्तार है बाबा। इतनी गोपी और कहां से आएंगी भला? हालांकि नो डाउट ऐसी साधना सिद्ध वाली गोपियां भी होती है, जो साधना सिद्ध में सिद्ध होकर के कृष्ण के पास पहुंचती हैं, कृष्ण लीलाओं में प्रवेश करती हैं, कुछ उनकी वाइस बनती हैं द्वारका, कुछ बनी गोपियां बनती हैं। लेकिन कई तो गोपियां हैं जो उनका विस्तार है वास्तव में कला प्रेरका, एज पर गोपाल तापनी उपनिषद। तो इसीलिए इन्हीं की अंग कांति वाले का विस्तार को अगर कोई व्यक्ति छूते भी हैं, आलिंगन करते हैं, चूमते हैं, छूते हैं, व्हाट्स रॉन्ग? तो कृष्ण आप्त काम है। इसका मतलब यह भी है कि कृष्ण को बाहर से कोई सप्लाई नहीं चाहिए अपने आनंद के लिए। कृष्ण को अगर आनंद लेना है, कृष्ण कैन टेक आनंद विद इन हिमसेल्फ एंड ऑल्सो विद हिज एनर्जीज, दे आर हिज एनर्जीज। ये इन्हीं की अंतरंगा शक्ति है, अनादिनी शक्ति का विस्तार है सारी गोपियां। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये उनका विशेष स्थान है। तो इसलिए कृष्ण क्या करते हैं भला, ये रासलीला क्यों करते हैं? तो बताया जा रहा है कि कृष्ण वास्तव में अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं, इसीलिए ये भक्तों की इच्छा है कृष्ण ही हमारा स्पर्श करे, आलिंगन करे। तो भगवान भक्तों को आनंद देना चाहते हैं, अनुग्रहाय। श्रीमद् भागवत में आ रहा है कि भगवान लीला इस प्रकार क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अनुग्रहात, अनुग्रहित करना चाहते हैं भक्तों को, इसलिए भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। गीता प्रेस के अंदर जब ये श्रीमद् भागवत प्रिंट होना था, तो उस वक्त जो प्रिंटर थे उन्होंने कहा, देखिए ये रास पंचाध्याय जो है ये प्रिंट हम नहीं करने वाले, ये तो देर आर टू एसोटेरिक, टू एरोटिक, तो ये तो बिल्कुल ना। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बोला, नहीं लेकिन इनको छापना जरूरी है क्योंकि ये भक्ति का सार एसेंस यही है। उन्होंने बोला आप ये कैसे कह सकते हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कि ये रासलीला जो है ये भक्ति का सार है? उन्होंने बोला मैं देखो ये तो भागवत में छपेगा, जो भागवत है इनकम्प्लीट नहीं छपेगी, अगर उसके अंदर 332 पूरे 335 पूरे श्लोक पूरे अध्याय हैं, पूरे सबके सब छपेंगे। मैं ये कर सकता हूं कि मैं रासलीला के ऊपर एक बहुत डिटेल निबंध लिख के दूंगा, वो भी आप साथ में प्रिंट करके दो। कहते हाँ तो फिर ये ठीक है, क्योंकि रासलीला को समझने के लिए एक्सप्लेनेशंस तो चाहिए होती हैं। यस, अन्यथा हम नहीं समझ सकते हाउ कृष्णा कैन एक्चुअली स्पोर्ट विद वुमन। पर वास्तव में ये सबके सब स्त्रियां हैं ही नहीं। स्त्री भला कौन होती है? जो जिसमें बायोलॉजिकली फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनको बोलते हैं स्त्री, जिसमें बायोलॉजिकल मेल हार्मोन्स होते हैं उनको बोलते हैं मेल। सो कृष्णा इज नॉट ही एंड द गोपीज आर नॉट शी। ये ही और शी ये पागलपन दुनिया में चलता है, ये ही और शी वहां नहीं चलता, वहां पर enjoyed and enjoyed, शक्ति एंड शक्तिमान, that's it। So शक्ति और शक्तिमान आपस में लीला कर सकते हैं। एको बहुनाम विविधदाति कामान, एक ही है जो कि विविध प्रकार से अपना विस्तार करते हैं। गर्ग संहिता के अंदर आता है कि भगवान श्री कृष्ण के लेफ्ट भाग से श्रीमती राधा रानी निकलती हैं और माधुर्य रस की जितने भी जीवात्माएं हैं वो फिर श्रीमती राधा रानी से आगे निकलती हैं, और भगवान श्री कृष्ण के राइट साइड से बलराम जी निकलते हैं और बलराम जी से फिर बाकी सारे रसों वाले जो भक्त हैं वो निकलते हैं। सो एको बहुनाम, एक व्यक्ति ने बहुनाम विदधाति कामान, क्यों एक कामान क्यों किया? लीला आस्वादने, सो रस का आस्वादन करने के, लीला का आस्वादन करने के लिए देर हैज टू बी प्लूरल। सिंगुलैरिटी में देर कैन ओनली बी आनंद, सिंगुलैरिटी में ब्रह्मानंद, लेकिन रस के लिए प्लूरल होना जरूरी है। इसे प्रभुपाद जी बोला करते थे, कृष्णा मीन्स टू, कृष्णा एंड यू, देयर हैज टू बी टू, देन देयर कैन बी रस। तो ये बता कैसा रस है उसका हमें आइडिया नहीं है, रीजन बिंग हमें दुनिया के सारे रस पता है, उस रस का हमको पता ही नहीं है। इसीलिए अक्सर भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य लीला है जो गोपियों के साथ, इसको लेकर के भ्रमित रहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, हम ये कृष्ण को हम स्वीकार नहीं कर सकते। ना ना ना, ये लीला करने के पीछे भगवान का प्रयोजन है। एक तो सारी गोपियों का स्थान सर्वश्रेष्ठ है ये बताना, और गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान श्रीमती राधा रानी का है इस बात को साबित करना, कि भगवान श्री कृष्ण रासलीला में सारी गोपियों को छोड़कर किसके साथ गए? श्रीमती राधा रानी के साथ गए। तो श्रीमती राधा रानी का स्थान सर्वश्रेष्ठ बताना, और साथ ही जो कि जगत के अंदर काम भावना से पीड़ित हैं, दुखी हैं बेचारे, संघर्ष कर रहे हैं, बार बार गलतियां कर बैठते हैं, फिर पछताते हैं क्यों हुआ, क्यों किया, अब से कभी नहीं करूंगा ये गलती, फिर कर बैठते हैं क्यों किया, फिर क्यों किया, फिर कर बैठते हैं गलती, क्यों किया, अब से नहीं करूंगा, फिर कर बैठते हैं,
सर इससे निकलने का है ना, श्रद्धा भावना के साथ हमको रासलीला का श्रवण करना चाहिए। लेकिन साथ ही ऐसा नहीं आप रासलीला के बारे में पता लग गया, ओ अच्छा ये तो बहुत बड़े बता दिया आपने, मतलब वी कैन डू इट, नाइस, इसको श्रवण कर सकते हैं हम लोग खुला खुला। पहले तो बड़ा लग रहा था, बड़ा रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर, तो अब हम कूद सकते हैं इसके अंदर। हाँ तो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं नो, देयर इज अ वर्ड ऑफ प्रिकॉशन एज वेल। तो कह रहे हैं कि ना सारी इंद्रियों में, सारी इंद्रियों को आप रासलीला की सेवा में लगा सकते हो। जैसे देखने में अगर आपने एक पेंटिंग देखी रासलीला की, इंद्रियों को लगा सकते हैं, ठीक है जी। अपने हाथों को रासलीला की सेवा में लगा सकते हैं, आपने फूल लिए, आपने रासलीला को अर्पित किए। सिर्फ जननेन्द्रियां हैं, अगर वहां विकार आता है श्रवण करते वक्त, तो उस वक्त श्रवण फिर अभी बंद कर देना चाहिए। लेकिन बाकी इंद्रियों का प्रयोग कर सकता है व्यक्ति रासलीला में। सिर्फ जननेन्द्रियों में अगर विकार अगर आता है तो फिर रुक जाना चाहिए। श्री जीव स्वामी ही गिव्स दिस वार्निंग। सेकंड, अगर कोई व्यक्ति दूसरे रसों में रस ले रहा है, मान लो कोई वासल रस का भक्त है, वो गोपाल जी में वो रस लेता है, उसको बोला अरे क्या तुम वासल रस में बढ़ गए यार, गोपियों का रस, आओ तुमको रासलीला सुनाते हैं, रासपंचाध्याय। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। श्री जी गोस्वामी कहते हैं जो दूसरे रस का व्यक्ति है उसको एनकरेज करना चाहिए, नहीं नहीं आप दूसरे रस में है, नो वेरी गुड, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस प्रभु जी माता जी। तीसरा बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति इसको सुनने के लिए बहुत ज्यादा ललायित नहीं है तो भी नहीं देना चाहिए। अगर कोई जानना चाहता है, सीखना चाहता है और श्रद्धा भाव से श्रवण करना चाहता है, तो हम ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के बारे में चर्चा करा सकते हैं। आज हमने रासलीला की चर्चा नहीं की, वैसे आज हमने रासलीला के तत्व की चर्चा की। रासलीला में तो आज हम भी नहीं गए, रासलीला में बहुत कुछ है। रासपंचाध्याय के अंदर क्या क्या प्रार्थनाएं हैं, क्या क्या बोला गया, किस प्रकार से कृष्ण ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी, गोपियों ने रिजेक्ट किया, कृष्ण वाज टेस्टिंग देम, कई सारी चीजें हम उसमें नहीं गए आज। लेकिन रासलीला का जो तत्व है आज हमने उस पर चर्चा की बेसिकली, क्योंकि ना रासलीला एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा अध्याय है, ये ऐसा प्रसंग है, इसमें बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन चाहिए। ये सारे इंट्रोडक्शन के बाद, प्रिपरेशन के बाद, देन वन में लिसन टू रासलीला। और प्रभुपाद जी ने दी भी है कृष्ण बुक के अंदर रासलीला दी भी है, हम नए लोगों को बांटते हैं कृष्ण बुक। आई गिव इट टू इवन नया दूल्हा, घोड़ी पे बैठा होता वो, तो मैंने उसको कृष्ण बुक दी, मैंने सर और हैप्पी मैरिड लाइफ, उसमें राधा कृष्ण बने हुए हैं, कहते हो यहाँ यहाँ बिल्कुल। उनसे किताब ले ली, उसने कहा सर, कहता वो पैसे नहीं है मेरे पास, मैंने कहा सर नोटों का हार गले, मैंने सर एक नोट निकाला वहां से, तो वहां से उसने 500 करोड़ निकाल के दे दिया। सो वी डिस्ट्रीब्यूट इवन कृष्णा बुक इन पब्लिक, वी गिव दैट, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतने तत्व के साथ इस रासलीला को समझाया कृष्णा बुक के अंदर, कि वास्तव में उससे श्रद्धा बढ़ती है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। क्योंकि प्रभुपाद जी बार बार वार्निंग्स भी देते हैं, उसका जो तत्व है कितना ऊंचा तत्व है उसको भी समझाते हैं प्रभुपाद जी। लस्ट में और लव में क्या अंतर है, इसको समझाते समझाते प्रभुपाद जी रासलीला के चैप्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं भागवत में। सो दैट्स व्हाई इट इज लाइक दैट। और साथ ही श्रीमद् भागवतम को वाई वी कीप इट सीक्रेट, ताकि इसकी जो प्रेशियसनेस है उसको प्रिजर्व कर सकें। इसलिए भी हम रासलीला कथा हम लोग पब्लिकली नहीं करते। इस तरह की इस्कॉन के अंदर भगवद्गीता होती है और भागवतम के बाकी सेक्शंस में जाते हैं, लेकिन इसमें हम नहीं जाते, क्योंकि हम जानते हैं सब व्यक्ति इसको सुनने के योग्य भी नहीं है। ऐसे कई बार लोग सुनने के लिए आते हैं, रासलीला चल रही है भाई बताएंगे रासलीला, उनको लगता है लड़का लड़की बारे में बताएंगे। वहां पर जो भक्त होता है वो तो तत्व सिद्धांत लगाया होता है, तो कई लोग इसलिए सोचते हैं अरे ये तो कुछ और ही चल रहा है भाई। लेकिन ये जरूरी है, ये जरूरी है उसके तत्व को, उसके सिद्धांत को समझना। देखिए बिना तत्व के, बिना सिद्धांत के लीलाओं में जाएंगे, लीला इज जस्ट अ स्टोरी, इट इज जस्ट अ स्टोरी। लैला मजनू शीरी फरहाद रोमियो जूलियट राधा कृष्ण, दैट्स इट। हम उसी कैटेगरी में राधा कृष्ण को डाल देंगे। इसलिए तत्व और सिद्धांत की चर्चा करें। सो दीज आर द फोर प्रिकॉशंस जो रासलीला से पहले जो थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए। पहला क्या है, कोई भी इंद्रिय में विकार आए वो भगवान ही समझते हैं, सिवाय जननेन्द्रिय को। वहां विकार अगर आ रहा है स्टॉप इट, कम बैक टू भगवद गीता, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम, जरा पहले ये समझेंगे हम, उसके बाद फिर इसमें आएंगे। लेकिन अगर किसी के हृदय विकार नहीं है तो श्रद्धापूर्वक इसको सुन सकता है, देन वन कैन लिसन टू रासलीला। सेकंड मैंने क्या बताया, अगर कोई दूसरे रसों में हो तो उसको भी हम ज्यादा पुश नहीं करेंगे, या पुल नहीं करेंगे, हमारे आना माधुरी रस में आया, अरे क्या तू दास रस में फंसा है, अरे चन्ना आ जा रे आ जा, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एंड शुड बी रिवील्ड टू द वन हु इज वेरी डेस्परेट, जो इतना डेस्परेट नहीं उसको भी नहीं देंगे। और साथ ही हम इसकी जो प्रेशियसनेस है उसको भी हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, दैट्स ऑल्सो थिंग। तो इस प्रकार से आज हमने रासलीला के कुछ जो प्रकरण थे इन पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया। और श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो इन सेक्शंस को ना पढ़ें। पर माधुर्य रस ये भगवान की लीला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है,
इतना महत्वपूर्ण कि भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर सारे रस दिए और ग्लिम्स में, शॉर्ट में, इन समरी फॉर्म माधुर्य रस दिया। लेकिन फिर माधुर्य रस के लिए फिर श्री रूप गोस्वामी ने पूरा एक ग्रंथ दिया, उज्ज्वल नीलमणि, और उसके ऊपर फिर आचार्य ने टीकाएं भी दी, श्री जी गोस्वामी ने टीका दी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने टीका दिए, ताकि उसको भी समझने के लिए वी नीड मोर तत्व, मोर सिद्धांत। ऐसा तो इसे बड़ी ऑ एंड रेवरेंस के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, विनीत भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ, शरण लेने के भाव के साथ, अगर कोई व्यक्ति रासलीला का श्रवण करता है और वो भी आचार्यों से, जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी, तो फिर ऐसे में जो रासलीला है, इट कैन प्रूव टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग फॉर द साधक। तो साधक का कल्याण करने के लिए भी भगवान ने रासलीला की, इसको सुनेंगे, ये आदि रस है, इस आदि रस से ये जो विकृत रस है ये सफाचट हो जाएगा, पूरा नलीफाई हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने रासलीला तत्व के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास किया। हरे कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय, रासलीला की जय, रासलीला तत्व की जय।